ए मोहित, अरे क्या हो गया चाचा? हाँ बोलो ना, बस तू रोता है बेटा। वो जो नई फिल्म आई नहीं क्या? कौन सी नई फिल्म? अरे वो नई फिल्म है नहीं जिसमें अक्षय कुमार तीतर बन रखा है। अरे चाचा ये कौन सी फिल्म है? अरे जो तू 3D में देख कर आया था। मैं तो रोबोट 2.0 देख कर आया था। हाँ हाँ वही वही बेटा, बता देना है उसमें होता क्या है। अरे चाचा हम इतने गरीब नहीं है, चलो थिएटर में दिखा कर आता हूँ, वो भी 3D में। बस बेटा उसकी कहानी बता दे। ये ले इतनी सी बात। अरे बेटा वो जो तू यूट्यूब पर डालता रहता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, हाँ मूवी रिव्यू, उसमें कहानी बता दे बेटा, मेरा बड़ा दिल चुलबुला रहा है। अरे चाचा पागल तो नहीं हो गया तू? मरवा मुरवा देगा तू मेरे को? अरे बेटा बुद्धि की बात नहीं मानेगा, और वैसे तो मैं तेरा चाचा हूँ। तू हमेशा मरवाता है। तो हेलो गाइस, आज की वीडियो मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। बीच में बोल कौन रहा है? अच्छा ठीक है, बता ही देता हूँ। तो आज की वीडियो है एक मूवी रिव्यू के बारे में, जो कि मूवी का नाम है रोबोट 2.0, जो आपको अच्छा लगे आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। पहले मैं ओरिजिनल रिव्यू, दूसरे में मैं स्टोरी लाइन बताऊंगा पूरी नहीं पर थोड़ी सी, कि मेरा चैनल बनना हो जाए। और जिनको स्पॉइलर फ्री वीडियो चाहिए वो समझ गए ना, यहाँ तक देखना। तो इन सब बात को अलग करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी किया तू? अरे यार कॉपी किया? अरे कैरी में ना दिया तूने कॉपी? ठीक है, सबसे पहले तो आपने ट्रेलर में देख ही लिया होगा कि कैसा है, पर मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि VFX उसमें कम यूज हुए, मेनली ज्यादा VFX मूवी में दिखाए गए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप जाके मूवी देखिए, पर देखिएगा तो 3D में देखिएगा, नहीं तो वो मजा नहीं आएगा। रोबोट 2.2 में तीनों के तीनों करेक्टर ने वाह गजब रोल निभाया। जो भी अक्षय कुमार या रजनी सर के फैन होंगे उनको मूवी तो डेफिनेटली देखनी चाहिए, उनको बहुत पसंद आएगी। इस मूवी में जो सोशल मैसेज है वो अच्छी तरह से ऑडियंस पे कन्वे तो हो गया है, पर मेरे को एकदम अच्छा सा डाउट है कि मोबाइल रेडिएशन है, मोबाइल टावर से इतनी रेडिएशन हो सकती है। तो मैंने थोड़ी रिसर्च करना स्टार्ट करी और मुझे एक वीडियो मिली ध्रुव राठी की, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर डायरेक्टर अगर थोड़ा ऐसा दिखाते कि पेस्टिसाइड जो कीड़े खा रहे हैं और उन कीड़ों को ही बर्ड्स खा रहे हैं, उससे बर्ड्स भी बीमार हो रहे हैं, उससे अगर वो चीज़ अगर इसमें डालते तो मूवी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी और रियल मैसेज कन्वे हो सकता था। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो ध्रुव राठी सर के चैनल पर आप जा सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। जिन लोगों को एक्शन मूवी बहुत पसंद है वो इस मूवी को जरूर जाके देखिए, आपको इसमें बहुत मजा आएगा। मेरे को लगता है रोबोट 2.0 जो फिल्म है ना, ये बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी और हॉलीवुड फिल्म से भी कम्पीट कर सकती है। मेरे को पहली बार लगा कि लव और प्यार के अलावा भी कोई मूवीज होती है, अब आई ना इतनी खतरनाक साइंस फिक्शन वाली मूवीज। तो एट लास्ट मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो जाना, पर जरूरी है कि आप 3D में देखना, क्योंकि असली मजा 3D में है। और सुनो एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारा एक सॉन्ग आने वाला है, इतनी जल्दी नहीं अभी, पर थोड़ा टाइम लगेगा, अभी बन रहा है हमारा सॉन्ग, स्क्रिप्टिंग वगैरह चल रही है। और ये वीडियो देख ली तो जाते जाते कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर कर घंटा जरूर दबा देना, क्योंकि इसकी बड़ी ज़रूरत है। और अगर आप नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी और सबसे पहले आप हमारी वीडियो नहीं देख पाओगे। तो ये नहीं का शब्द बताओ, इन सब बातों को करो भाई, कर देना, क्या जा रहा है, तुम्हारे भाई का चैनल बढ़ेगा और क्या। अभी रहा स्पॉइलर, हिम्मत है तो सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सेकेंड पार्ट शुरू हो रहा है। स्टार्टिंग में अक्षय कुमार उन सब लोगों को मार रहा होता है जो फ़ोन के कंपनी या कंपनी में डीलर होते हैं, बहुत खतरनाक सीन होते हैं, देख नहीं पाता। और उसके बाद वो उन सब लोगों को भी मारने लग जाता है जो फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, वेरी बैड। स्टार्टिंग में वो सबके फ़ोन उड़ाकर शहर में हंगामा मचाने लग जाता है। इसमें प्रोफेसर बोरा का बेटा भी होता है जो बर्डमैन को आज़ाद कराकर आखिर में खुद बढ़ जाता है। यस मैंने बोल दिया, यस। इसमें प्रोफेसर बोरा का बेटा भी होता है जो आखिरी में बर्डमैन को आज़ाद कराकर खुद मर जाता है, क्योंकि उसे बर्डमैन ही मार देता है। बर्डमैन डॉक्टर वसीकरण की बॉडी में घुस जाता है और एमी जैक्सन फिर रोबोट 2.0 बनाती है, और वही रोबोट 2.0 2.3 बनाता है मिनी रोबोट। ये मैं आप सबको बता रहा हूँ अगर स्टोरी लाइन जानी है तो। फिर वही मिनी रोबोट आखिरी में मदद करते हैं लड़ाई जीतने की बर्डमैन से। सबसे बेहतर तो रोबोट 2 का आखिरी सीन होता है, ये डरावना ये दुश्मन क्या फाइट होती है। मैं आखिर में आपसे फिर से कह रहा हूँ इस मूवी को थिएटर में जाकर देखना, वो भी 3D में, आपको फुल मजा आएगा। ठीक है तो मैं चलता हूँ, बाय 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 बाय। अब क्या देख रहे हो, जाओ देखो, इतना अच्छा नहीं मेरा फेस, जाओ देखो।